सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2022 का दिन बेहद अहम रहा। इस दिन सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा। बता दें कि 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके बाद इसे चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने भी इसे सही ठहरा दिया है। इस मामले की सुनवाई 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन तक की। लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला सुनाते हुए मुहर लगा दी गई, जिसके बाद इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, मतलब अब सामान्य जाति को भी मिलेगा 10% आरक्षण। एक और यूजर ने लिखा, जो कमजोर और गरीब है उसके खिलाफ भी याचिका लगा दी जाती है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है उसके खिलाफ भी जाति को आधार बनाकर हक छीनने की बात होती है। कैसी सोच रखते हैं हम, गरीब को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। मुकेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा, केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने पर छाती पीट रहे विपक्ष के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तमाचा जारी रहेगा। 5 में से 3 जजों ने केंद्र सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। मयंक शुक्ला नाम के यूजर लिखते हैं, गरीब को भी कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, उसके आरक्षण पर सवाल उठे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्ण आरक्षण को सही ठहराया। तो कुछ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है और आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण को लोग सही ठहरा रहे। बता दें कि कानून के पक्ष में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने बहस की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात आदि कुछ राज्यों ने भी कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन किया। केंद्र ने कानून का बचाव करते हुए दलील दी थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नए प्रकार का एक अलग श्रेणी का आरक्षण है, इससे एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को इसके लिए 25% सीटें बढ़ाने के लिए कहा गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।